हेलो स्टूडेंट्स, लैपलेस ट्रांसफॉर्म चैप्टर चल रहा था हमारा, और उसमें हमारे पास ये तीन क्वेश्चंस रह गए थे जो मैं प्रीवियस वीडियो में आपको सॉल्व करने वाला था, आपके लिए सॉल्व करने वाला था। ये क्वेश्चंस थे, तो ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन तो हम कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, तो बाकी बचे तीन क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, हमारे पास है 1 + t e की पावर -t का होल क्यूब। तो इसका हमें लैपलेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। ठीक है, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं यहां पर। तो ये हमारे पास 1 + t e की पावर -t का होल क्यूब। तो a + b के होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। a + b के होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर, a³ + b³ + 3a² b + 3ab² तो ये खुद आप कर सकते हैं। तो इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास ये आता है 1 + 3t e की पावर -t + 3t² e की पावर -2t + t³ e की पावर -3t। तो जब इसका एक्सपेंशन कर रहे हैं तो ये सारी चीजें यहां पर हमारे पास आ रही हैं। तो हमें क्योंकि इसका बाइनोमियल बोल रहा हूं, इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करना था, तो इसका मतलब हम इस पूरे का लैपलेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे कैसे, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 + t e की पावर -t का होल क्यूब, इसका करना था और एस में कन्वर्ट करना है, मतलब कि हम इसका करने वाले हैं। किसका, 1 + 3t e की पावर -t + 3t² e की पावर -2t + t³ e की पावर -3t, और इसको भी इसमें कन्वर्ट करना है। अब इसको हम करें उससे पहले कुछ बेसिक चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए। वो क्या है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है 1 और इसका हमें लैपलेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, तो इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म होता है, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 होता है हमारे पास 1/s। ये आपको पता होना चाहिए। हमें ये पता है कि t की पावर n का जब हम लैपलेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं तो ये क्या आता है हमारे पास, t की पावर n का ये आता है n फैक्टोरियल ओवर s की पावर n+1। ठीक है, तो ये मैं क्यों बता रहा हूं है? अभी आपको समझ में आएगा। जरा मैं इसको और कैसे लिख सकते हूं, इसका तो आंसर यही आ रहा है ना, तो इसको हम लिख कैसे सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं इस टाइप से, 0 से इन्फिनिटी e की पावर -st t की पावर n dt। जब इसका इंटीग्रेशन किया तभी तो हमारे पास आया था n फैक्टोरियल ओवर s की पावर n+1। अब अगर मान लो ये फंक्शन को हम बदल दें, अब इस फंक्शन की जगह हमारे पास हो, मतलब अब हम फंक्शन ये लेने वाले हैं कि मान लो फंक्शन हमारे पास है e a t t की पावर n। अगर हमारे पास ये फंक्शन हो तो इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड करेंगे, तो इसकी हेल्प लेंगे हम। इसकी हेल्प कैसे, इसका अगर लैपलेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है तो पहले लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे ऐसे, e a t t की पावर n, s में कन्वर्ट करना है। तो ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी e - st e की पावर a t t की पावर n, और यहां हो जाएगा dt। इसको हम लिख सकते हैं 0 से इन्फिनिटी e की पावर -s - at t t की पावर n dt। अब जरा आप इसको देखें, इसको जब देखेंगे तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि यहां s है इसीलिए यहां पर s आया हुआ है, और अगर यहां पर s - a हो जो कि यहां पर है, तो ऑब्वियसली यहां पर s की जगह s - a आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा हमारे पास, क्या आएगा, n फैक्टोरियल ओवर s - a की पावर n+1। तो आपको जो फंक्शन हमारे पास है e की पावर a t t की पावर n, तो उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म ये आ रहा है हमारे पास। ठीक हो गया, अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, अब करना स्टार्ट करते हैं। कलर चेंज कर लेता हूं इसका। तो आप ये देखें
कि हमें इस फंक्शन का लैपलेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है और ये फंक्शन कई हिस्सों में बटा है, तो हम इन सब का इंडिविजुअली लैपलेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला, ये जो मैंने अभी आपको यहां बताया। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लिखेंगे L1S, दूसरा हम लिखेंगे L3T e की पावर माइनस टी, फिर तीसरे में है 3T² e की पावर -2T, और चौथा है L, यह है T³ e की पावर -3T, s में कन्वर्ट करना है। ठीक हो गया। एक बार और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले, 1s, अब इसमें से 3 बाहर आ जाएगा, तो हमें लैपलेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है t e की पावर -t का। यहां पर भी 3 बाहर आ जाएगा, हमें लैपलेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है T² e की पावर -2 का, और यहां पर तो एज इट इज मैंने इसको कॉपी कर दिया। यहां तक समझ में आ गया होगा बच्चों आपको। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसका तो हमें पता है लैपलेस, 1 का लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है, इसका होता है 1/s, लिख लिया। 3 को एज इट इज मैंने कॉपी कर दिया। अब जरा इसका देखो, यहां पर t की जो पावर है वो है 1, ध्यान से समझना, यहां पर t की पावर क्या है, 1। जरा इसको जरा एक बार आप गौर करो, जरा इसको आप देखो, इस फंक्शन को जरा आप इस फंक्शन से एक बार कंपेयर करो तो आपको चीजें समझ में आएंगी। देखो यहां पर t की पावर है n और यहां पर t की पावर है 1, तो इससे एक चीज तो समझ में आ गई कि n की जगह तो 1 रखेंगे। यहां पर e की पावर है a और यहां पर e की पावर है -1, -1t, है ना, तो इसका मतलब है a की जगह पे आपको क्या रखना है, -1। तो इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म अगर ये होता है तो इसका भी ऐसा ही कुछ होगा, बस चीजें क्या बदलनी है आपको वो मैंने यहां पर आपको बता दिया है ना। तो लिखते हैं n की जगह हमें क्या लिखना है, 1, तो ये हो जाएगा 1 फैक्टोरियल ओवर s, s माइनस है पर a तो हमारे पास -1 है, तो -1 लिख दिया का होल स्क्वायर, माइनस माइनस ये होता है प्लस हो गया, और पावर में क्या है, n+1, n तो हमारे पास 1 है, 1+1 हो गया 2, इसलिए यहां पर 2 लिख दिया मैंने। अब अगले वाले का करते हैं 3। अब इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे तो बस इस बार तुम्हें n की जगह 2 लिख देना है और a की जगह -2 लिख देना है, और यहां पर अगर हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जरा फिर से देखें, यही चीज लिखनी है, n की जगह क्या लिखेंगे हम, 2, तो 2 फैक्टोरियल, ये s, फिर माइनस ए की जगह -2 लिखना है, ठीक हो गया, और n+1 का मतलब 2+1 हो गया हमारे पास 3, प्लस ये नेक्स्ट वाले का करना है हमें लैपलेस ट्रांसफॉर्म, तो ये हो जाएगा, इस बार तुम्हें n की जगह 3 रखना है और a की जगह -3 रखना है, तो इस पूरे में क्या बदलाव आएगा, 3 फैक्टोरियल, यहां भी ये माइनस में प्लस हो गया ना, 3 फैक्टोरियल s+3 की पावर। तो बच्चों हमारे पास जो फंक्शन एग्जैक्टली दिया था हमें ये, तो इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म जो हमारे पास फाइनली ये आ चुका है यहाँ पर, ये जो मैंने इतना बड़ा ये सॉल्व करके दिया है ये आ चुका है। इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर लो आपका आंसर और हो जाएगा, नहीं तो यहां तक भी छोड़ सकते हैं। तो ये तो मैंने एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा दिया। अब हमारे पास ये जो अगला क्वेश्चन है, इस अगले क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे।